हाँ जी भाईजान, क्या हाल है आपके? बस शुक्र अल्लाह का। शुक्र अल्लाह का। वाह जी वाह, आज फिर इसका टेस्ट कराया हमने माहिरा का, पहले भी करा चुके हैं इसका। सर इससे पहले 3 महीने पहले करवाए थे। हाँ, तो उस वक्त में जो जो इसका टेस्ट था वो कितना था और अभी कितना है? आज तारीख है 5 फरवरी 2024। ये ना 5 फरवरी 2024 आज हमने किया है, तो इसका अभी आपने फाइब्रस के अनाज दोबारा कराया माहिरा का। अभी इसकी पहले तो तबीयत कैसी है, अभी ये बताओ। शुक्र अल्लाह का बढ़िया है, ठीक है, एक्टिव है, थका नहीं हो रहा है क्योंकि ये घूमती फिरती है अच्छी तरह। अभी पहले से बहुत फर्क आ गया, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है उसमें, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसका पहले फाइब्रस स्कैन हमने जब पहले भी इंटरव्यू किया था, पहले फाइब्रस स्कैन इसका कितना था उस वक्त में? उस पहला जब हमने करवाया था तो वो आया 39.3। हाँ, इससे पहले इससे भी ज्यादा था वो, आपने आपको वो आपको ध्यान नहीं है, ये 39.3 आया था। और अभी इसका कितना आया है वो अभी वाला एक बार हमने कराया था, इस डेट पे वो आया था 5 फरवरी, ये 12 आ गया। ये मतलब इतना घट गया इसका, मतलब वो बिल्कुल ही एज पर नॉर्मल आ गया, और अगले 2-3 पॉइंट कम होगा तो। और पेट में पानी वगैरह जो वैसे पहले पेट तनाव रहता था और वो सब रहता था, वो चीज नहीं है ना इसकी। तो अभी इसका फिर अभी का क्या सिनेरियो चल रहा है और अभी का इसका क्या खाने पीने का चल रहा है? आपकी गाइडलाइन से ही सूप वूप देते हैं हम उसको और मेडिसिन कंटिन्यू, बस इसी पे हमने ज्यादा ध्यान दिया है, बस ऐसे ही। तो अभी तो ठीक है, मतलब पहले से पहले वाली परेशानियां तो नहीं है ना, जैसे शुरू में जैसे इसको थी पेट टाइट रहता था और वो सब सा, वो चीज तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट आप ऐसा मान के चलिए कि पहले से इसकी 80% तक समस्याएं नहीं आती इसको, बिल्कुल खाने पीने में, पेट टाइट होने में, पेट में पानी वानी दोबारा कभी किसी तरह का कोई तनाव, ये वो टाइटनेस अब टाइट तो नहीं रहता पेट इसका, अब तो टाइट नहीं रहता ना। खाने में करती है कुछ परेशानी? नहीं सर, खाती है, जब हम उसको देते हैं तो खाती है, कुछ भी दे दो तो खाती है। चलो चलो, उनके चिकन बाकी वो मुझे दो फ्राई करके थोड़ा थोड़ा हमने दिया था उसको पीने के। चलो कोई नहीं, लेकिन उसको ज्यादा क्या है कि ज्यादा दे नहीं सकते, ज्यादा नहीं थोड़ा। हाँ, ज्यादा इसको क्यों, बस ये सब्जी और दाल वाली हमने उसको पका के दिया है। सब्जी दाल तो चलो वो तो है ही, एक वो अपना चल ही रहा खाने पीने के अंदर जो परहेज है, लेकिन फर्क बहुत आ गया। हाँ, बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल एक्टिव है। रिपोर्ट्स भी अगर 40 KPA आ रहा था, उससे पहले 75 KPA था, वहां से घटते घटते करीब 12 KPA आ गया, 12 KPA। तो अभी आपने चेक कराया तो आप कुछ बता रहे थे वो क्या हुआ उसको, आपने जब डाउट हुआ था उसको कि ये 12 फिर उसने तकरीबन 4-5 बार उसने करा, लेकिन मैंने जब उससे पूछा था कि आप घबराओ मत क्योंकि इससे पहले उसका फाइब्रोस स्कैन ये है 40 39.5 उसने डन किया। हाँ, नहीं तो उसको ये लग रहा था ये कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, चलो कर ले शैतानी, तो कोई दिक्कत नहीं, तेरी शैतानी कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है भाई, ओके ओके।